सारा देश आज रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा है, लेकिन इस बीच तमाम आंखें नम दिखाई दे रही हैं। वजह है कोलकाता कांड, जहां आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी जान ले ली गई। इसको लेकर तमाम महिला डॉक्टर अपने लिए सुरक्षा की गुहार लगा रही हैं और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है। इसी कड़ी में मुंबई के आजाद मैदान में डॉक्टर जुटे, जहां उन्होंने कोलकाता में हुए डॉक्टर के साथ दुष्कर्म को लेकर न्याय की मांग की। इसी के साथ ही डॉक्टरों ने सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के लिए उनका कार्यस्थल सुरक्षित होना चाहिए। सुनिए। मैं डॉक्टर प्रेरणा गोम्स हूँ, मैं जसलोक हॉस्पिटल की एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की हूँ। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आज आपका यहाँ पे आजाद नगर में इकट्ठा हुआ सब डॉक्टर्स और कुछ मांगे करें कि क्या मांगे आप लोग की और किसी? ओके, हमारी ये है कि आज हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं, हमारे सेफ्टी एंड के लिए हुए इकट्ठा। जो हुआ कलकत्ता में रेप, वो उस बच्ची का नहीं हुआ, हम सबका हुआ, हमारे देश का हुआ है। ये जो रेप हुआ है, देश का रेप हुआ है। और ये हम 78 इयर्स का इंडिपेंडेंस में, हमारी यदि सुरक्षा नहीं होती तो फिर क्या है? हम लोग आज सब डॉक्टर्स यहाँ पर एक साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, हम गवर्नमेंट से इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन, छोटा बड़ा, गवर्नमेंट कॉरपोरेट, शुड हैव अ सेफ्टी काइंड ऑफ ऑडिट। वो हम मांग रहे हैं और हमारी सुरक्षा मांग रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे, रस्तों पे, ट्रैवल में, हम ये मांग रहे हैं। मैम, बात करते हैं कोलकाता की घटना की, जो इंसिडेंट हुआ, वो जब आप याद करते हैं दिमाग में क्या आता है? रोंटे खड़े हो जाते हैं, बोलने का कोई शब्द नहीं मिलता है बोलने के लिए, बस कांट से इट्स जैसे एक एक तरह का शिवर हो जाता है। क्या आप मुंबई में रह रहे, आपको लग रहा है आप फेल है, या मतलब मुंबई में महिला सेफ है जिस प्रकार की घटना आई महिला के साथ? देखिए, हम लोग जो डॉक्टर्स हैं, हम रात बेरात जाते हैं ड्यूटी पे, काम पे। हम अपने पेशेंट के लिए पहले सोचते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए नहीं देखते। हम लोग ने कोविड में अपनी जान लगा दी है। हम लोग तीन तीन चार चार महीना अकेले अपने कमरे में ड्यूटी करके अपने फैमिली से नहीं मिले। हमारी सुरक्षा नहीं हो रही है, इसके लिए हमको बहुत अफसोस है। अनसेफ फील करते हैं? नहीं, हम मुंबई में एज सच अनसेफ नहीं फील करते। हाँ, अभी ये तो वर्क प्लेस पे हुआ तो वो तो इसलिए थोड़ा सा अब अनसेफ लगने लगा है। तो वहीं बात करें राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ भी डॉक्टरों ने अपनी पर्याप्त सुरक्षा का मुद्दा उठाया। एम्स और अन्य दिल्ली अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने निर्माण भवन में स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने सड़क पर मुफ्त ओपीडी सेवा प्रदान करना शुरू कर दिया है। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन एम्स की ओर से कहा गया है कि जब तक हमें केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा का आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक ये जारी रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।